नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। गांधी जी ने आज के दिन जलाई थी विदेशी वस्त्रों की होली। 1921 को गांधी जी ने मुंबई में खुद विदेशी कपड़ों को जलाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इसके साथ गांधी जी ने स्थानीय वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। इसके बाद पूरे भारत में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। देखते ही देखते देश में स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग पहले की अपेक्षा काफी अधिक हो गया, जो एक तरह से भारतीयों के हित में था। गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए उनकी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के बहिष्कार पर जोर दिया। गांधी जी ने हर उस वस्तु का त्याग करने को कहा जो अंग्रेजों द्वारा आयात की गई थी। आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में रखी थी नींव। 22 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास की नींव रखी। कंपनी ने 1600 में भारत के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुँचा था। कंपनी को पहली बड़ी सफलता 22 अगस्त 1939 को मिली, जब विजयनगर के शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीन खरीदी और गोदाम व किला बनाने की अनुमति हासिल कर ली। इसके लगभग एक साल बाद अंग्रेजों ने यहां स्टेट जज किला बनाया, जो बाद में कंपनी की औपनिवेशिक गतिविधियों का केंद्र बना। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर कब्जा जमा लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। आज के दिन गाजी मलिक ने की थी तुगलक साम्राज्य की स्थापना। गाजी मलिक ने 22 अगस्त 1921 को तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी। वह मुबारक खिलजी के राज में सीमांत प्रांत का गवर्नर था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में गाजी मलिक ने खिलजी वंश का खात्मा कर खुद तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक सुल्तान बनने के बाद ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। ग्यासुद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्यासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मुगलों के आक्रमण को विफल किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक 1325 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। राही सरनोबत ने आज के दिन एशियाई खेलों में रचा था इतिहास। राही सरनोबत ने 2018 में 22 अगस्त के दिन एशियाई खेलों की 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी थी। राही सरनोबत पिस्टल शूटिंग में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हैं। 2011 में उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने कम समय में ही नेशनल शूटिंग कैंप में पिस्टल वर्ग में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जर्मनी में उन्होंने जूनियर चैंपियनशिप का सुपर कप भी हासिल किया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।